महाराष्ट्र का पीएमसी बैंक का संकट अभी ताजा है। इस बीच आरबीआई ने एक और सहकारी बैंक पर अपना शिकंजा कस दिया है। बेंगलुरु के श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक पर आरबीआई ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। बैंक के ग्राहक खाते से सिर्फ 35,000 रुपए निकाल पाएंगे। यह बैंक अगले 6 महीने तक आरबीआई की अनुमति के बिना ना तो कोई नया लोन दे सकता है और ना कोई निवेश कर सकता है। हालांकि आरबीआई ने अपने बयान में इस बात का संकेत दिया है कि उसने बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया है। आरबीआई ने कहा है कि जब तक बैंक की वित्तीय स्थिति नहीं सुधर जाती तब तक यह बैंक पाबंदियों के दायरे में ही है। बैंकिंग कामकाज का संचालन पाबंदियों के दायरे में होगा। 10 जनवरी शुक्रवार को कामकाज बंद होने के बाद से बैंक पर यह पाबंदियां लागू हैं। आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि किसी भी बचत खाते, चालू खाते या किसी अन्य खाते, चाहे कितना भी जमा हो, लेकिन 35,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाला जा सकता है। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। बाजार आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। आखिरी घंटे में खरीदारी लौटने से निफ्टी 33 पॉइंट की बढ़त के साथ 12,362 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 93 अंक चढ़कर 41,953 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार का पूरा एक्शन बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट दीपांशु भंडारी। दीपांशु, बताइए क्या एक्शन रहा है आज मार्केट में पूरे दिन? बाजारों के लिए एक और शानदार दिन रहा, पर बैंक्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर अर्निंग्स इंपैक्ट की बात करें तो दो बड़े बैंक्स के नंबर्स आए। इंडसइंड बैंक स्लिपेजेस बढ़ने की वजह से इस स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट थी, और बंधन बैंक ग्रोफिन के इंटीग्रेशन और असम और बंगाल में अनरेस्ट की वजह से इनके भी नंबर्स में थोड़ी परेशानी देखने को मिली। इसके अलावा पूरा टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक्स में आज अच्छी बढ़त थी। सबसे आगे था टाटा ग्लोबल बेवरेज, इसके अलावा टाटा केमिकल्स, टाटा कॉफी और टाटा इलेक्सी में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। एफएमसीजी काउंटर्स में भी आज अच्छी बढ़त थी, टॉप सेक्टोरल गेनर्स रहा। आईटीसी काफी दिनों बाद इस स्टॉक ने पार्टिसिपेट किया। वहीं ब्रिटानिया कोलगेट और गोदरेज कंज्यूमर्स जैसे नामों में भी तेजी देखने को मिली। मेटल स्टॉक्स में एक बार फिर से तेजी। नॉन स्टील कुछ स्टॉक्स थे जो आज एक्टिव रहे, जैसे कि नैल्को, एनएमडीसी, वेदांता और ऑफकोर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक बार फिर से अच्छी तेजी देखने को मिली। कुछ बैंक्स में गिरावट जरूर थी, हालांकि कुछ और बैंक्स में अच्छी बढ़त थी, बट सबसे बड़ी गिरावट हमने येस बैंक में देखी। इसके अलावा एसबीआई, कोटक बैंक और पीएनबी में भी थोड़ा आज प्रेशर रहा। आईटी स्टॉक्स में एक बार फिर से एक्शन रहा, स्पेशली मिड कैप आईटी स्टॉक्स जैसे कि इन्फीबीम, एनआईटी टेक, माइंडट्री और एलएनटी इंफोटेक। मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो एचएएल दूसरे दिन यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा स्पेंसर्स रिटेल, हमने फ्राइडे को आपको इसके स्टॉक के बारे में बताया था, तब से अब तक 20% की बढ़त हो चुकी है। इंडिया सीमेंट्स और बामा लॉरी भी एक्शन में रहे आज। बहुत शुक्रिया दीपांशु आपका बाजार का ये पूरा एक्शन समझाने के लिए।